ये मगध की धरती है, पटना का यह ऐतिहासिक गांधी मैदान मगध की धरती से संबंधित है। मगही के एक मशहूर कवि हुए हैं, उनका नाम है मथुरा प्रसाद नवीन। और मथुरा प्रसाद नवीन कहते हैं, जुल्मी बढ़लो तहूँ बढ़ जा, दुश्मन के छाती पर चढ़ जा, भूख से तरफ के मरवा का है, मरने होते लड़के मरी जा, लड़के मरी जा, लड़के मरी जा। बिहार की यह लड़ाकू जनता, कोने कोने से आए हुए आप तमाम लोग, किसान मजदूर भाइयों, माताओं बहनों, नौजवान साथियों और हमारे प्यारे बिहार वासियों, आप तमाम लोगों का मैं क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं। आपको जय भीम और लाल सलाम पेश करना चाहता हूं। दोस्तों, मैं यह समझता हूं धूप हल्की हो गई है, लेकिन पेट की भूख हल्की नहीं हुई होगी। अपना मटरी बांध करके, चूड़ा सतुआ को बोरिया में ले करके, अपना टिकट कटा करके, बस में बैठ करके आप लोग रैली में आए हैं। तो आप लोग सोच सकते हैं, या आपके मन में ये ख्याल आया होगा कि भाजपा का रैली होता तो खिलैबो करता और पेट्रोल में तेलो भरा देता। तो एक बात आपको याद दिला देते हैं, जब देश गुलाम था तो अंग्रेज अपने यहाँ मीटिंग करने के लिए जिन भारतीयों को बुलाते थे उनको चाय पिलाते थे, उनको खाना खिलाते थे, और बदले में उनके ही भाई बहनों के ऊपर अत्याचार करते थे, लगान लगाते थे। एक बात याद कर लिख लीजिएगा, बिना पैसा का कम्युनिस्ट पार्टी के रैली में आए हैं, अपना चूड़ा सतुआ बांध करके, अपना किराया खर्चा दे करके, अपना मेहनत मजदूरी छोड़ करके। तो आप देश बचाने के लिए आए हैं, जो पैसा लेकर के रैली में जाते हैं वो देश बेचने के लिए जाते हैं, ये बात मैं आपको कह देना चाहता हूँ। और एक बात और सुन लीजिए, मेरे जैसा इंसान आप लोगों को देख करके कभी निराश नहीं होता है। निराश इसलिए नहीं होता है कि आप किसान को देखिए, किसान जाता है खेतों में मुट्ठी भर बीज लेकर के, जब फसल लहलहाती है तो बोरियों में फसलों को लेकर के अपने घर को जाता है। यह किसान की का निराशावाद नहीं, ये किसान का आशावाद है। और ये जो किसान का आशावाद है, उसी से हमको शक्ति मिलती है, उसी से हमको समझदारी मिलती है। आज एक पत्रकार बंधु ने कहा कि आपने कहा था कि पटना का गांधी मैदान भर देंगे। हम बोले, ए दोस्त, जिस दिन पटना का गांधी मैदान भर देंगे ना, उस दिन नरेंद्र मोदी भाग करके जो मेहुल चौकसी है उसके पास चला जाएगा। यह बात आपको कह देना चाहते हैं। हम झूठ नहीं बोलते हैं, क्योंकि हमको झूठ बोल करके प्रधानमंत्री नहीं बनना है। हम सच बोलते हैं और अपनी तमाम कमी का खामियों को हम स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। हम जानते हैं कि आज बिहार के भीतर कोई ऐसी राजनीतिक पार्टी नहीं है जो अकेले भाजपा को हरा दे, ये सच है। और इस सच को मानने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बात समझ लीजिए, जिस बौखलाहट की बात आरजेडी के माननीय नेता रामचंद्र पूर्वे जी कह रहे थे, एनसीपी के नेता डीपी त्रिपाठी साहब कह रहे थे कि तेजस्वी जी ने जो न्याय यात्रा निकाली है उसमें जिस तरीके से जनता जुट रही है, यह इस बात का संकेत है कि तमाम तरीके के युवा शक्तियों को और जो शोषित जनता है उसको एक सही विकल्प दिया जाए, सही तरीके से उनके आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ को बुलंद किया जाए, तो इस भाजपा को हरा देना कोई मुश्किल काम नहीं है। इस बात को हमको समझना चाहिए। और यह जो बौखलाहट है बीजेपी की, इसी बौखलाहट का नतीजा है कि मैं जब अपने साथी सुशील से, जो ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के राष्ट्रीय सचिव हैं, मिलने के लिए एम्स में जाता हूं, तो वहां पर वो डॉक्टर नहीं है, ये भूल मत कीजिएगा, वो डॉक्टर के भेष में मोदी मोदी करने वाले भगत हैं। वो कहते हैं कि आप ज़्यादा लोग घुस गए हैं। हम बोले, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, मैं दो मिनट में वापस चला जाता हूँ, मुझे कानून को मानने में भरोसा है। मेरे बाबूजी प्रधानमंत्री थोड़ी हैं कि हम कानून का राज तोड़ देंगे, हम अमित शाह के बेटा थोड़ी हैं कि हजारों करोड़ रुपया कमा लेंगे और हम जेल नहीं जाएंगे, इसलिए हम कानून को मानते हैं। हमको कानून को मानने में कोई दिक्कत नहीं है।
और डॉक्टर तो भगवान के रूप होते हैं धरती पर, आपकी बात को हम कैसे अस्वीकार कर सकते हैं। इसीलिए मैं तुरंत वहाँ से वापिस आ गया। हमारे एक स्वास्थ्य मंत्री हैं, बिलबिलाने लगे एकदम से, एकदम बिलबिला गए और उन्होंने कहा कि ये बिहार है, यहाँ पे गुंडागर्दी नहीं चलेगी। सही बात है, जब भाजपाई गुंडा यहाँ पे सरेआम गुंडागर्दी कर रहे हों तब दूसरे को गुंडागर्दी करने की ज़रूरत नहीं है। रामचरितमानस में तुलसीदास ने एक बात लिखी है, जाको रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखा हूँ तिन तैसी। जो गुंडे होते हैं उनको हर किसी के चेहरे पे गुंडा ही नज़र आता है। और स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति को आप देख लीजिए कि बिहार के भीतर एक बहुत बड़ा दवा घोटाला हुआ था और यही मंगल पांडे, अरे नाम ले लिए हो मंगल का, जरूरी नहीं था, यही पांडे जी चीख चीख करके कह रहे थे कि हम सीबीआई का जांच करवाएंगे। अब क्या कराइएगा, सीबीआई खुद ही आपस में जांच कर रहा है, सीबीआई का जांच कराएंगे। लेकिन जब से स्वास्थ्य मंत्री बने हैं इस संबंध में एक शब्द मुंह से नहीं बोले हैं। अरे आप तो आप ही मतलब कहते हैं अपने हाथ में अपना मुख्तारी, आप ही स्वास्थ्य मंत्री हैं और आप ही के अंदर में सीबीआई है, तो दवा घोटाला का जांच करा लेते। और एक और बिहार में घोटाला हुआ था, सृजन घोटाला, दुर्जनों ने मिलकर के सृजन का घोटाला कर लिया था। एक शब्द इनके मुंह से नहीं निकलता है। और दो दिन पहले की घटना है, बक्सर में एक इंसान ट्रेन दुर्घटना के चलते उसका पांव कट जाता है और कटा हुआ पांव लेकर के कुत्ता भाग जाता है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री को फुर्सत नहीं कि इस पे वो बयान दें। ये सामने पीएमसीएच है, हम झूठ नहीं बोलते हैं। जिनका दिल करे जाकर के उसकी हालत देख लीजिए कि किन परिस्थितियों में डॉक्टरों को, नर्सों को, अस्पताल के कर्मचारियों को और जो मरीज हैं उनको अपना इलाज करना और करवाना पड़ रहा है, यह बात आप समझ लीजिए। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। लेकिन एम्स जैसी संस्था को बदनाम करने के लिए, डॉक्टरी जैसी पेशा को बदनाम करने के लिए और अपना राजनीतिक हित साधने के लिए, हमारे और हमारे साथियों पर हमला करने के लिए उनके पास बोलने के लिए बहुत कुछ है। तो उनको हम एक बात कह देना चाहते हैं कि बहुत हो गया। जुमलेबाज के खिलाफ एक सिनेमा आया है मुक्केबाज, और उसमें एक बात कही गई है, अरे बहुत हुआ सम्मान तुम्हारी ऐसी तैसी, अरे आए हैं सीना तान तुम्हारी ऐसी तैसी। आपकी इस जो बरबोलेपन है, आपका जो जुमलेबाजी है, उसके खिलाफ हम बुरजोर तरीके से अपनी आवाज़ को उठाएंगे, ये बात हम आपको कह देना चाहते हैं। और बौखलाहट का दूसरा उदाहरण देखिए कि जब हमारे साथी इस विराट रैली के संबंध में डेकोरेशन का काम कर रहे थे गांधी मैदान के चारों तरफ, तो इनको याद आ गया श्री कृष्ण बाबू का। और श्री कृष्ण बाबू कौन है पूछिएगा मत, बोलना पड़ेगा कि कांग्रेसी थे। कांग्रेसी आदमी के ऊपर माला चढ़ा करके भजपैया सब कह रहा है कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। गजब का योजना है भाई साहब, गजब का योजना है। जितना भ्रष्ट कांग्रेसी था उस सब को टिकट दे दिया है भाजपा में और कहता है कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। मामला समझ रहे हैं, एक के साथ एक फ्री दिवाली ऑफर चल रहा है। अगर ईमानदार हैं तो देश विरोधी हैं, अगर ईमानदार हैं तो परिवारवादी हैं, अगर ईमानदार हैं तो भ्रष्टाचारी हैं, अगर ईमानदार हैं तो आपको पाकिस्तानी कहा जा सकता है। देश के साथ बेईमानी कर लीजिए, मोदी जी को छोड़ दीजिए, अमित शाह भी आपके साथ सेल्फी खिंचाने के लिए तैयार हो जाएंगे। और यह बात मैं बिना आधार के नहीं बोल रहा हूँ। ध्रुव सक्सेना नाम का एक व्यक्ति है, भारतीय जनता युवा मोर्चा का कार्यकर्ता, जो पाकिस्तान के साथ जासूसी करने के चलते आज भी जेल में है, जिन्होंने अंग्रेजों के साथ वफादारी की, देश के साथ गद्दारी किया, आज भी देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, मोदी के साथ वफादारी कर रहे हैं, वो दूसरे से देशभक्त होने का प्रमाण पत्र मांग रहे हैं। देंगे इनसे प्रमाण पत्र, लेंगे इनसे प्रमाण पत्र, यह बात आपको विचार करने की ज़रूरत है। और जो हमारा पोस्टर फाड़ रहे थे श्री कृष्ण जयंती के बहाने से, पहले तो उनको याद दिला देना चाहता हूँ कि श्री कृष्ण सिंह कभी भाजपा नहीं ज्वाइन किए थे। और दूसरी बात ये कि श्री कृष्ण सिंह के नाम पे यदि तुम लाल झंडा को दबा देना चाहते हो
तो तुमको एक बात कह देना चाहते हैं, तुम काली घटा हो कलंक के, तुम कितने भी उमड़ घुमड़ करके आओ, इस नीले आसमान में लाल सूरज को निकलने से रोक नहीं सकते हो। यह बात हम तुमको कह देना चाहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं आपको कि आज का जो हमारा राजनीतिक सवाल है, वो सवाल किसी को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनाने का सवाल नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये मैं इस देश की जनता के विवेक के ऊपर छोड़ता हूँ कि वो किसको प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री चुनना चाहते हैं। और मैं जानता हूँ कि इस देश की जनता ने अपने दिल में अपना प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री चुन लिया है। हम प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनने के रेस में नहीं हैं और हम उस रेस में होना भी नहीं चाहते हैं। हम सिर्फ एक बात जानते हैं, वो ये है कि घर रहेगा और घर में भाई के साथ रहेंगे तब न बर्तन ढनर मनर करेगा, तब न आपस में लड़ेंगे। लोकतंत्र रहेगा, संविधान रहेगा, हर 5 साल में चुनाव होगा, संसदीय लोकतंत्र रहेगा, संसदीय प्रणाली रहेगी, बहुदलीय व्यवस्था रहेगा, तब न हम दल आपस में लड़ेंगे। जब लोकतंत्र ही नहीं होगा, संविधान ही नहीं होगा, जमहूरियत ही नहीं होगा, चुनाव ही नहीं होगा, तो हम आपस में कहाँ लड़ेंगे, ये बात हमको बता दीजिए। मैं बार बार इस खतरे से आपको आगाह करना चाहता हूँ कि आज इस देश के भीतर संवैधानिक मूल्यों के ऊपर हमला हो रहा है। और यह बात फिर झूठ नहीं है, मैं प्रधानमंत्री नहीं हूँ। मैं याद दिलाता हूँ आपको, दिल्ली में, देश की राजधानी में दिन दहाड़े संविधान की प्रति को जलाई गई, बाबा साहब मुर्दाबाद के नारे लगाए गए, लेकिन एक भी FIR लॉज नहीं किया गया। साफ साफ इस देश के भीतर तमाम तरीके की जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उसको एक एक करके कमजोर किया जा रहा है। एक बात हमको बताइए कि चुनाव आयोग बताएगी ना कि बिहार में इलेक्शन कब होगा, कि पांडे जी बताएंगे कि बिहार में इलेक्शन कब होगा, ये हमको बता दीजिए। पांडे जी बताएंगे, चौबे जी बताएंगे, कौन बताएंगे? चुनाव आयोग बताएगा ना। चुनाव आयोग के बताने से पहले जो BJP का IT सेल है, जिसका काम है झूठ की फैक्ट्री में झूठा न्यूज तैयार करना, वो व्यक्ति सबसे पहले गुजरात चुनाव का डेट अनाउंस करता है और वही डेट का अनाउंसमेंट, उसी डेट की घोषणा, उसी तिथि की घोषणा बाद में चुनाव आयोग के द्वारा की जाती है। अगर आपका याददाश्त थोड़ा कमजोर हो तो एक ताज़ा घटना आपको याद दिला देते हैं। अभी देश में कई राज्यों में चुनाव होने वाला है, इस चुनाव के संबंध में चुनाव आयोग के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया था और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कैंसिल कर दिया गया क्योंकि गप्पू जी की रैली होने वाली थी। गप्पू जी की, इनकी रैली के चलते चुनाव आयोग ने डेट जो है बताना था, जो अनाउंसमेंट था, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कैंसिल कर दिया। हमको लगता है कि चुनाव आयोग आज के डेट में चुनाव आयोग नहीं है, भाजपा का प्रवक्ता बन करके रह गया है। एक एक करके इस देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर किया गया है। शिक्षा के बजट में 27% की कटौती की गई है। जो बेरोजगारों को वादा किया गया था कि आपको 2 करोड़ नौकरी दी गई देंगे, नौकरी तो छोड़ दीजिए, सरकार ने तय किया है कि अब इस देश में बेरोजगारी का डेटा नहीं दिया जाएगा। जैसे आपको ये नहीं पता है कि इस देश में किस जाति के कितने लोग हैं, वैसे ही आपको ये नहीं पता होगा कि इस देश में कितने नौजवान बेरोजगार हैं। इस देश की जो हालत है उस पर आप एक बार विचार करके देखिए। जो बड़े बड़े घराने हैं उनका कर्जा 1000 करोड़ रुपए में माफ़ किया जा रहा है। कुल कर्जा जो अभी सरकार ने माफ़ किया है बड़े बड़े पूंजीपतियों का, वो है 3,16,500 करोड़ रुपया, इतना रुपया माफ़ किया गया है। और किसानों का कर्जा कितना माफ़ किया गया है? 10 पैसा, 2 रुपया, 5 रुपया। हे साहेब, इतना तब लेमन चूस नहीं मिलता है जितना का आप कर्जा माफ़ कर रहे हैं। ये स्थिति है और इस स्थिति पे इस देश में चर्चा नहीं हो, इसीलिए हमारे सामने एक नया सगुफा छोड़ा जाता है और उस सगुफे का नाम है मंदिर वहीं बनाएंगे। मैं याद दिलाना चाहता हूँ आप तमाम नौजवानों को, बूढ़े लोगों को वह बात याद होगी, पटना के इसी गांधी मैदान में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और दूसरी कम्युनिस्ट पार्टियों के द्वारा एक विशाल रैली का आयोजन किया गया था और उस विशाल रैली में उस वक्त के मुख्यमंत्री माननीय लालू प्रसाद यादव भी आए थे। और माननीय लालू प्रसाद यादव और कॉमरेड AV वर्धन का ऐतिहासिक भाषण हुआ था।
जिस ऐतिहासिक भाषण में कॉमरेड एवी वर्धन ने कहा था कि आप मंदिर बनाना चाहते हैं, आप बेशक बनाइए, इस बात की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस बात की जिद मत कीजिए कि हम मस्जिद तोड़ करके मंदिर बनाएंगे। और ये बहुत अफसोस की बात है कि मस्जिद तोड़ा गया, मंदिर नहीं बना, बल्कि भाजपा का ऑफिस बना दिया गया है। इस बात को आप समझिए कि जिस राम का नाम लिया गया, जिस राम के नाम पर 2 से 80 और 80 से 180 और 180 से आज 283 पे भाजपा पहुंची है, क्या वो सचमुच राम के भक्त हैं? यह सवाल आपको सोचने की जरूरत है। मैं फिर तुलसीदास को आपको याद कराना चाहता हूं। तुलसीदास लिखते हैं, रावण रथी विरथि रघुवीरा। रावण रथ पर है और भगवान श्री राम पैदल चल रहे हैं। आप हमको बिहार के लोग याद करके बताइए कि किसका रथ बिहार में रोका गया था और कौन रावण था उस वक्त का, ये बात हमको याद करके बता दीजिए। आडवाणी जी का रथ रोका गया था और उस वक्त लालू जी के साथ सीपीआई सरकार में थी, और यह जो महागठबंधन की सरकार थी जिसने सांप्रदायिकता के रथ को बिहार में रोका था। एक बार आप तमाम लोगों के कंधे के ऊपर ये जिम्मेवारी है कि बिहार में जातिवाद और सांप्रदायिकता के इस रथ को रोकिए, और जो आपका बुनियादी सवाल है उसको लेकर के अपनी आवाज को बुलंद कीजिए। यह जिम्मेवारी आज हमारे कंधों पर है। आपको विचार करना पड़ेगा कि बिहार के भीतर चल क्या रहा है। बिहार के भीतर यह चल रहा है कि कोई भी भर्ती हो, तमाम भर्तियों में घोटाला किया जाता है। अभी सिपाही भर्ती किया गया है, उस सिपाही भर्ती में तमाम नौजवान जो उनके पास मेरिट है, जिनके पास क्षमता है, जो सिपाही बन सकते हैं, उन लोगों को बहाल नहीं करके जो लोग पैसा खिलाए हैं उनको बहाल कराया गया है। यह सच्चाई है, ये सच्चाई है। और यहाँ पे बहुत सारे एमपी और पूर्व एमपी बैठे हुए हैं, बुरा मत मानिएगा। जनता के पक्ष में आवाज़ उठा करके आप लोगों से भी एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप 10 दिन के लिए एमपी बनते हैं तब भी आपको पेंशन मिलता है, आप 15 दिन के लिए एमएलए बनते हैं तब भी आपको पेंशन मिलता है, और यह जो सिपाही खड़े हैं, यह जो सरकारी कर्मचारी पूरे देश के भीतर काम कर रहे हैं, जो रेल चलाते हैं, जो फैक्ट्रियां चलाते हैं, जो इस देश में काम धंधा चलाते हैं, वो पूरा का पूरा जीवन नौकरी करते हैं, फिर भी उनका पेंशन बंद कर दिया गया है, यह अन्याय है कि नहीं है? यह बात हमको बताइए। आज अगर हम राजनीति की बात कर रहे हैं, आज यदि हम विपक्ष की एकता की बात कर रहे हैं, तो हमको जनता की जनभावना का भी ख्याल रखना पड़ेगा। और जनता की जनभावना यह है कि आज इस ऐतिहासिक गांधी मैदान में ऊपर नीला आसमान है, नीचे लाल झंडों से पटा ये गांधी मैदान है, और इसकी जनभावना यही है कि सबको शिक्षा मिलना चाहिए, सबको काम मिलना चाहिए, सबको मजदूरी मिलनी चाहिए, किसानों को उनके फसल का दाम मिलना चाहिए। चाहे हमारी जाति कुछ भी हो, चाहे हमारा धर्म कुछ भी हो, चाहे हमारा लिंग कुछ भी हो, हमको बराबर का आत्मसम्मान मिलना चाहिए। सामाजिक न्याय को हमको बुलंद करना पड़ेगा। और जो बात कम्युनिस्ट पार्टी की इस रैली में बार बार कही जा रही है, वह बात सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी की बात नहीं है, वह बात इस देश की जनता की बात है कि अगर आप इस देश को बचाना चाहते हैं, अगर इस देश में आप संविधान के राज को स्थापित करना चाहते हैं, यदि आप लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, तो आपको देश विरोधी भाजपा को हराना पड़ेगा। इसीलिए इस नारे को जोर से बुलंद कीजिए, और जब जनता एकजुट होने के लिए तैयार है, जब जनता जमा जमीन पर एकजुट हो गई है, खेतों में, खलिहानों में, बसों में, ट्रेनों में, चौक चौराहों में, फेसबुक से लेकर के ट्विटर पर, जब जनता एकजुट हो गई है, तो इन पॉलिटिकल पार्टियों को भी एकजुट होना पड़ेगा। यही जनभावना है, यही जनता की इच्छा है। और यह जो एकता है, इस एकता के संबंध में एक बात बोल करके अपनी बात को मैं खत्म करना चाहूंगा। घबराइएगा नहीं, गोली चले तब भी नहीं घबराइएगा, जेल में डाला जाए तब भी नहीं घबराइएगा, फर्जी मुकदमा कर दिया जाए तब भी नहीं घबराइएगा। क्योंकि एक बात अपने दिमाग में रखिएगा, सामने चाहे कोई कितना बड़ा ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन इंसान यदि अपने जज्बात से साफ हो, अपनी समझ से यदि साफ हो, तो उस चट्टान को भी तोड़ करके गिरा सकता है। और यह धरती दशरथ मांझी की धरती है, और दशरथ मांझी ने दुनिया को एक संदेशा दिया था कि अगर ठान लिए हैं तो तुम पहाड़ को भी तोड़ करके रास्ता बनाएंगे। ए बीजेपी, हम जा
जानते हैं कि हम तुमको अभी हराने की स्थिति में नहीं है, लेकिन यह धरती दशरथ मांझी की धरती है और उनको याद करते हुए तुमको कहना चाहते हैं कि जब तक तुमको तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, यही हमारा संकल्प है। और इस संकल्प के संबंध में एक बात आप याद रखिएगा कि इस देश को जब जब संकट हुआ है तब तब बिहार की जनता ने इस देश को ललकारा है और अपनी आवाज को बुलंद किया है। आप 1857 के विद्रोह को याद कर लीजिए जिसमें पीर अली से लेकर के हमारे जो कुंवर सिंह हैं उन्होंने शहादत दी थी। आप 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन को देख लीजिए, पूरे बिहार के भीतर एक जबरदस्त आंदोलन किया गया था। आज फिर से अपने हक और अधिकार के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, शिक्षा और रोजगार के लिए, सामाजिक न्याय के लिए ईमानदारी से हमको देश की जरूरत है कि हम एकजुट होकर के बिहार की उस ऐतिहासिक परंपरा को दोहराते हुए अपनी आवाज को बुलंद करें और यह बात कहें कि भाजपा हराएंगे, देश को बचाएंगे। इसी संकल्प के साथ आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करके अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा। शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद।